अभी हमने एक्यूप्रेशर के विषय में अलका जी से बात की और अलका जी की ही एक स्टूडेंट सोनल केलकर हमारे साथ उपस्थित है, आपका स्वागत है। सोनल जी, सीनियर सिटीजंस को एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट देती है, कैसा अनुभव रहा है आपका? सच बोला जाए तो सही में बहुत बढ़िया रहा है, और इसलिए इसकी प्रेरणा मुझे मेरी मम्मी से मिली है मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी और तभी अलका जी वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट करने आते थे, तो देखते थे कि ये हर रोज़ मेरे साथ आती है और देखती रहती है, तो बोले इसको ही क्यों ना हम करें। तो उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत प्रेशराइज किया कि करो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने बोला ठीक है, किया जाए। मैंने अपनी मम्मी पे किया और मुझे अच्छे से रिजल्ट भी मिला, और तब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सही में ये ट्रीटमेंट में और कुछ ना कुछ ऐसा है कि हम किसी को कर ही सकते हैं और किसी को अच्छा करके उनकी दुआएं जरूर ले सकते हैं। पैसा कमाना एक अलग सी चीज़ है, लेकिन दुआएं कहीं ऐसे ही नहीं मिल जाती लोगों को, तो ये चीज़ मुझे उसमें मिली। और उसके बाद मुझे उन्होंने ही एक ऐसा ये चीज़ खड़ा किया कि आप ऐसी चीज़ करो कि जिससे आपको पैसा भी मिले और बूढ़े लोगों के लिए या अदर्स जो भी है, टीनेज है या मिडल्स है, उनके लिए कुछ ना कुछ आप करते रहो। मैंने ये पूरा मेरा एक्यूप्रेशर का उनके साथ कंप्लीट किया, सेमेस्टर वाइज सभी चीज़ें। और यहाँ पे कृष्णा धाम ओल्ड एज होम है जी। वहाँ पे मैंने सब ओल्ड एज जो भी है उनके लिए यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट अभी रेगुलरली यहाँ आती हूँ। कम से कम मुझे आते हुए यहाँ 1.5 से 2 साल हो चुके हैं कृष्णा धाम और यहाँ के जो मेन संचालक है उन्होंने मुझे सही में बहुत अच्छे से साथ दिया हुआ है, और ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं ऐसे कोई जगह पे जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एक परिवार में मैं आती हूँ, और मुझे वहाँ पे बैठ के उनके साथ उनकी शेयरिंग करना, उनके साथ बात करना, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ट्रीटमेंट देती हूँ, उनके साथ उनकी भी चीज़ें मैं जुड़ी हुई रहती है। अगर एक दिन भी शायद मैं लेट आई हूँ या नहीं भी आई हूँ तो वो वेट करते हैं मेरा, ये भी मैंने देखा है और समझा भी है खुद के लिए, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि चलो हमारे लिए कोई तो वेट करता है। और वो भी चीज़ वो लगती है कि एक बूढ़े लोग, और यहाँ पे मैंने देखा है कि बूढ़े लोगों का बहुत सभी घरों में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई पर्टिकुलर एक घर है, कि जहाँ पे उनका इतना ये नहीं होता है बच्चे, अदरवाइज मैं ऐसे भी नहीं सब बोल सकती कि सिर्फ बच्चों का ही होता है, कहीं ना कहीं बूढ़ों का भी होता है, वो अपने अपने में दोनों में है। पर यहाँ मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि अगर उनके साथ आओ, उनसे बात करो और थोड़ा सा उनको अपना प्यार दोगे ना, तो वो भी अपने जैसे ही बनेंगे, ये बात तो सही है। और दूसरी एक चीज़ है कि मैं यहाँ हर रोज़ अभी आती हूँ, अभी मैं उनको ट्रीटमेंट भी दूंगी, तो आप उनके साथ भी जुड़िए और देखिए कैसे होता है ये सब चीज़ें। तो आप आइए, आपके सीनियर सिटीजन पेशेंट्स को हम देखते हैं। पहला आबानू ले लूँ पर अपनी जगह थोड़ी प्लेस चेंजेस होए। તમે જે બોલ્યા એ જ હું હમણાં ક્યુ આપું એટલે બોલજો કે મેં 3 સાલ સે જમે ઇનકો 2 સાલ સે ટ્રીટમેન્ટ દે રહી હું યાન્ટી કો ભી અભી આપ દેખિયે યે કલર થેરાપી હે અચ્છા આંટી આપકો ક્યા પ્રોબ્લેમ થા ઓર કેસે આપકો લગા હે જરા થોડા સા ઇનકો બતાઈ મેરે હો યે બેક પેન કા દર્દ હે ઉસમે ભી થોડા ફાયદા હુઆ હે और दो स्टूडेंट डाले हुए हैं मेरे को, उन्हें भी रात है, रात को दर्द होने लगता था, रात को सोने के सो नींद में जो बहुत दर्द होने लगता था, तो ये इनका भी पॉइंट लेती हूँ और इससे मुझे कम हो गया है, बहुत अच्छा लगता है और हमारी बहुत अच्छी तरह से ये ख्याल करती है और हमको जो भी दर्द है उनका वो इलाज अच्छी तरह से करती है, हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हम उनको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू आंटी। हमारा जो भी दर्द है मुझे कम हो गया है पहले से।
इनको भी ये हार्ट का जरा प्रॉब्लम है, मैं उसके ही इनको भी ट्रीटमेंट दे रही हूँ। जो हार्ट ब्लॉकेजेस है उसके लिए मैं उनको ट्रीटमेंट दे रही हूँ, और स्पाइन का है वो दोनों दे रही हूँ। तो प्रॉब्लम छे क्या? मारे जे स्किन प्रॉब्लम छे, मारे आखा शरीर में खुजली खुजली बहु हो छे। 50-60 साल से मैं होम्योपैथी की दवा करती हूँ, पर यहाँ 1.5 महीने से आई हूँ, तो मेरा घर तो बहुत दूर है, यहाँ पर आई हूँ तो ये सोनल बहन आती है ना, उसका ट्रीटमेंट लेती हूँ, तो इससे खास खुजली भी कम है, और मेरे पाँव में भी बहुत खुजली होती है, और यूरिन का भी प्रॉब्लम है, तो ये सब मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट देख कर देती है, तो उससे लगता है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसी वजह से मैं होम्योपैथी को जब मेरे भाई को बेटे को बोला कि जब सोनल बहन आती है वो मेरे को देती है सुझाव पद्धति से, उससे मुझे फायदा है, तो फिर मैं अभी होम्योपैथी तो चालू करूँ, तो इससे मुझे कोई फायदा है। और ये बहन तो रोज आती है। अच्छा आंटी, अभी हम करें आपका ट्रीटमेंट, और आपको गैस एसिडिटी भी होती है? गैस बहुत है, ओड़कार बहुत आता है, डकार बहुत होते हैं, गैस भी बहुत होता है, उससे ज्यादा तो परेशान उससे हूँ। और आपको स्पाइन का भी प्रॉब्लम है? ये स्पाइन के मैं कलर उनको दे रही हूँ, यहाँ मिडल फिंगर में, दोनों मिडल और रिंग फिंगर में रेड कलर है, और इंडेक्स और न्यू में स्मॉल फिंगर में मैंने लाइट स्काई ब्लू कलर लिया हुआ है, राइट में ऑरेंज कलर दिया हुआ है रिंग फिंगर में मैंने, और तर्जनी में मैंने लास्ट में ये वॉयलेट कलर दिया हुआ है। ये पूरा स्पाइन के लिए मैंने उनके लिए किया हुआ है। अभी मैं उनको कफ के लिए भी देती हूँ, क्योंकि अभी मिडल में उनको कफ बहुत हो गया था, उसके चलते उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो कफ के लिए भी मैंने वही कलर चूज किए हुए हैं, लेकिन सिर्फ उंगलियां और वो सब थोड़ी सी चेंज होती रहती है इसमें, वो डिपेंड्स है हम कैसे करते हैं और उस पे। अभी गैस का ना उसका प्रॉब्लम बहुत है, और कार बहुत आता है पुष्कर, पर अभी आपको इससे थोड़ा सा फायदा रहा है? फायदा हमको अच्छा भी नहीं लगता है, भाग भी रात को उनकी भी नींद खराब होती है, मुझे शर्म भी आती है, पर क्या करें, ये तो अपने कुदरती होता है, दवाएं तो करते रहते हैं। ये मैंने पूरी थम के इन्हें मैंने पूरा ब्लैक कलर का ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी जो उनको ये यूरिन का प्रॉब्लम है, मैं उसी के लिए ये मेथी की पट्टी बना रही हूँ, जो उनके लेफ्ट साइड के थम पे, यहाँ पे मैं से उसको ये अप्लाई करूँगी, और उनको थोड़ा सा वेरिकोज वेन का भी है, जो अगले उसमें वो आंटी को भी था और इनको भी है, जो ब्राउन कलर में इसमें उनको अप्लाई कर रही हूँ। और ये पांव पे भी मैं मटर दाना उनको अप्लाई कर रही हूँ। अभी ये आंटी का भी बहुत 2 साल से मैं, 1.5 साल हुआ शायद उनको भी मैं यहाँ ट्रीट कर रही हूँ, उनको भी एसिडिटी, गैस, जलन, सर्दी खांसी, कॉन्स्टिपेशन का ही मैं बहुत तकलीफ है पाया गया है, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, जो उनको नंबर थेरापी दे रही हूँ।
और इनको भूख बहुत कम लगती है, तो उसके चलते भी मैं उनको उसका भी इसमें कवर करती रहती हूँ। दो तीन दिन में वॉमिट हो जाती है, निकल जाता है, खा नहीं पाते। आज भी हुआ था और कंटिन्यू उनको कफ तो रहता ही रहता है, तो कफ तो मैं रेगुलर उनका कफ का ट्रीटमेंट और कॉन्स्टिपेशन का रेगुलर करती रहती हूँ उनके लिए। इसमें भी वही सब कलर है जो ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वही सब कलर इसमें भी दिए गए हैं। अभी मैं इसमें मैग्नेट यूज कर रही हूँ जो आप देख सकते हैं, बहुत छोटे से है। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं पे जरूरत नहीं है तो हम मैग्नेट नहीं देते, सिर से भी चला लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हम मैग्नेट से ही करते हैं। उसका रीजन ये है कि वो बैलेंस इम्बैलेंस करने में हमें समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा इफेक्ट करने में और एनर्जी बढ़ाने में, कम करने में हमें इससे जल्द से जल्द फायदा मिल सकता है। और सीड्स में भी है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी किसी को ऐसा होता है कि मैग्नेट से कहीं ना कहीं अलग सी एनर्जी हो जाती है तो नहीं दे पाते, तो सिर्फ सीड्स से काम चला लेते हैं। ये भी एक मैग्नेट ही है, ये पूरा उनके बैलेंस के लिए, क्योंकि वो चलते हुए उनको लड़खड़ाते रहते, तो बैलेंस के लिए मैं उनको ये एक मैग्नेट मिडल फिंगर में दे रही हूँ। और उनका भी मिडल में ये सांस का भी प्रॉब्लम हो रहा है कि थोड़ा सा सांस लेने में भी उनको दिक्कत होती है, तो सांस के लिए भी मैं उनको दे रही हूँ। जो एक छोटा सा मेथी दाना है मिडल फिंगर में, ये बटन है, आपको कैसा है वो हाथ में जो मैं दे रही थी? थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, ठीक है आपको? अच्छा, ये आंटी को भी अभी मिडल में गिर गए थे बाथरूम में, तो उनको भी लगा हुआ है, तो उसके लिए भी मैं उनको ट्रीटमेंट कर रही हूँ, अदरवाइज वो खड़े भी नहीं हो पाते, चलने में उनको बहुत दिक्कत रहती है, देख भी नहीं पाते वो, कम बहुत कम देखते हैं, ऐसे भी खड़ा होना है तो उनके लिए उनको वॉकर चाहिए, तो वॉकर से वो खड़े होते। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर ये सब चीजें अगर आप सीखे और ऐसे सब लोगों को आप कहीं ना कहीं जाके सेवा भी थोड़ी सी भी अपने रेगुलर टाइम में से थोड़ी सी भी देना लोगों को, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये वृद्ध लोगों को भी एक ऐसा लगेगा कि चलो हमारे बच्चे हमें मिलने आए या जो भी है, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए भी। इसमें देख सकते हैं मैंने भी पूरा तैयार किया हुआ है, इनको भी चलने में दिक्कत है और ये अदरवाइज थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए हुए हैं, उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ। रात को उनको नींद नहीं आती है, पैर में उनको बहुत सूजन थी। ओके, आप ऐसे अभी हमने जो एक्यूट
अभी हमने जो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देखा वो यहाँ पर कृष्णाधाम सीनियर लिविंग होम में चल रहा है। इसके संस्थापक और संचालक राजीव गोयल जी हमारे साथ उपस्थित है, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। मेरा नाम राजीव सतीश चंद्र गोयल है। मैं रेलवे से 24 साल सर्विस करने के बाद मैंने बीआरएस लिया। उसके बाद मैंने 4 साल सभी ओल्ड एज होम में वॉलंटियर सेवा दी। उसके बाद अभी मैंने 4-5 साल हो गए मैंने खुद का अपना कृष्णाधाम सीनियर लिविंग होम चला रहा हूँ, जिसमें 16 सीनियर सिटीजन रहते हैं और उनकी हम सेवा दिल से करते हैं। और जो भी मेरा पेंशन वगैरह आता है इसमें मैं यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और हम अभी एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।